एक्सरसाइज डी है, कन्वर्ट 6500 मिलीलीटर यानी कि ml इंटू लीटर, लीटर में चेंज करना है, ml आपको गिवन है। चलिएगा कर लेते हैं। ml में गिवन है तो देखिएगा, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। ओके, सो 1 ml इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर। यहाँ पे क्या है, आपको ml गिवन है, ठीक है, जो गिवन होता है उससे अपन क्या करते हैं हमेशा पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा कर लेते हैं। आपको कितना ml दिया है भाई, 1 ml इक्वल टू होता है 1/1000 ml, 6500 ml को आपको लीटर में निकालना है। इट मीन 6500 मल्टीप्लाई बाई 1/1000, ठीक है। जितना कटता है उतना कट कर लेते हैं, कट कर दिया आपने, कट कर दिया। अब आपके पास बचा क्या, 6 5 और नीचे आया 0, ठीक है। डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, जो नीचे 1 0 है उसका आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये नीचे वाला 10 आपका आउट हो जाएगा। तो 6.5 और किस में चाहिए था, लीटर में चाहिए था, ये आपका लीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा साथ में अपन क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। 5 भी सेम ऐसा ही है। 5 में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 2250 ml, ठीक है। ml को किस में चेंज करना है, इनटू लीटर में, ठीक है। अभी आपने जैसे ऊपर किया सेम वैसे ही है, 1000 ml इक्वल टू होता है 1 लीटर, तो 1 ml इक्वल टू हो गया 1/1000, और आपको यहाँ पे कितना एम एल दिया है, 2250 ml इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 2250। ओके गाइस, 0 से 0 कट कर दिया जिससे कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाए, छोटी हो जाए। रिमेनिंग आपके पास आ गया 225 और अपॉन में आ गया 100। 100 में आप देख रहे हैं नीचे 20, इट मीन्स ऊपर 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट को प्लेस कर दें तो आपका डेसिमल में चेंज हो जाता है और आप उसमें आगे यूनिट आपके लीटर में आई जाएगी। लीटर में चेंज कर रहे हैं, चलेगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2.25 लीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नीचे का 100 आपका रिमूव हो गया क्योंकि आपने ऊपर पॉइंट में चेंज कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी